दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल सोशल उद्यत पे। पीएमओ इंडिया के द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया नाउ पीएम किसान बेनिफिशियरी टू ऑल्सो गेट किसान क्रेडिट कार्ड। यह ट्वीट किया गया और साथ ही साथ एक इमेज भी शेयर किया गया है जिसको मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर जो कंटेंट है ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ा हुआ जो कि रिप्लाई किया गया है पेंशनर्स के द्वारा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यह जो है पूरी तरह से साझा किया गया है पीएमओ इंडिया के द्वारा और कुछ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान क्रेडिट कार्ड संतुष्टि ये सब पूरा ये कंटेंट है। इसके ऊपर जो है नेशनल एजुकेशन ईपीएस 95 पेंशनर्स का है द फेक पीएमओ इट इज़ नॉट रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द ईपीएस 95 पेंशनर्स आर ऑल सीनियर सिटीजन एंड देयर पेंशन इज पार्शियली द गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी टू इन्हेंस देयर पेंशन टू इनेबल दैम टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ नॉर ही इज़ रेडी टू रिस्टोर द कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 10 ईयर्स। तो ये देख सकते हैं ये पीएमओ इंडिया के ऊपर एक ट्वीट किया गया था, इसके ऊपर रिप्लाई किया गया था और भी जो सोशल मीडिया पर रिएक्शंस हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जो इसमें कंटेंट है ईपीएस 95 पेंशन से सोशल मीडिया पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी मैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम पूरी साझा करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ जो एक अपडेट निकल के आ रहा है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा जो कि मैं समझता हूँ एज अ नोबल कॉज मुझे ये मेंशन करना चाहिए आप लोगों के साथ और यह बात यहाँ पर रखनी ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में जैसा कि आप सभी को पता है कि दिसंबर से लेके अभी मार्च चल रहा है और पूरे विश्व में जो है कोरोना वायरस से निकला हुआ एक बहुत ही डेंजरस जो सिचुएशन है इसमें बन चुका है पूरे विश्व में जो है इसका प्रकोप इस समय कंटिन्यूसली जारी है। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ अपडेट आप लोगों के साथ साझा करूंगा, उसके बाद मैं फिर वीडियो में आगे बढ़ूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक परामर्श जो संबंधित जानकारी एडवाइजरी है भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है वह आप लोग के साथ साझा करना ज़रूरी समझता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आगे अपडेट्स की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन यह भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि एडवाइजरी है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सतर्कता महानिदेशालय अप्रत्यक्ष कर का सीमा शुल्क, यहाँ पर आप देख सकते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा परामर्श संबंधी एडवाइजरी किया गया है सभी के लिए किया गया है, ये पूरी पब्लिक के लिए है। और इसमें आप देख सकते हैं कृपया ध्यान दें दिन में कई बार अपने हाथों को 20 सेकेंड तक साबुन व पानी से धोएं। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर फॉर मिनिमम 20 सेकेंड्स। यदि सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित कर लें कि 60% या इससे अधिक अल्कोहल हो। इफ सैनिटाइजर इट मस्ट कंटेन 60% अल्कोहल। यदि किसी व्यक्ति को बुखार व खांस या छींक आ रहा है तो उसे कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। मेंटेन मिनिमम 2 मीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम द समवन कॉफिंग स्नीजिंग एंड फीवर्स। कृपया भीड़ में न जाएं, भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे होटल मॉल आदि से दूरी बनाएं। अवॉइड गैदरिंग क्राउड प्लेस होटल्स एंड मॉल्स। अपनी आँख नाक व चेहरे को ना छुएं, डू नॉट टच योर आइज नोज एंड माउथ। हर 1 घंटे में या जैसे संभव हो गर्म पानी पीते रहें। कीप स्पीकिंग स्निपिंग वार्म वाटर्स एवरी आवर्स। अनावश्यक यात्रा से बचें, अवॉइड अननेसेसरी ट्रेवल्स। यदि आपको खांसी अथवा जुकाम तो अपने चेहरे को कवर करके रखें। इफ कॉफिंग और स्नीजिंग है कवर योर माउथ। खूब पानी व तरल पेय पिए। कीप वार्म हाइड्रेटेड। मांसाहारी खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। फल व सब्जियां खाएं जैसे नींबू संतरे आदि। अवॉइड नॉन वेज। ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक लेमन ऑरेंज। ठंडे व बासी पानी से बचें, ठंडे व बासी खाने से बचें। अवॉइड कोल्ड फूड। नियमित रूप से कपड़ों को धोएं। वॉश क्लोथ्स रेगुलरली। कमरा साफ एवं हवादार बनाएं। कीप रूम वेंटिलेटेड एंड क्लीन। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, मेंटेन हाइजीन। तो यह जो है एडवाइजरी जारी किया है, आप सभी को पता है कि इस समय करीब करीब जो है 35 प्लस जो है इस समय कोरोना वायरस के मामले जो है भारत में आ चुके हैं और 3070 के करीब जो है अभी तक चाइना में और पूरे विश्व में लोग जो है
इससे गुजर चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, और करीब जो है 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है इससे प्रभावित हो चुके हैं। तो यह एक जो है मास अफेक्टेड चीज़ है। कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और इस वजह से कई कंपनियां, कई ऑर्गेनाइजेशंस और काफ़ी कुछ जो है प्रभावित भी हो रहे हैं इससे, क्योंकि जैसे कि गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, इन सब मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ मेंटेन करना काफ़ी आवश्यक होगा। यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं जो काम करती हैं उनके लिए भी ये इस समय काफ़ी जो है समस्या चल रहा है इस वजह से, क्योंकि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस हो गया, मेट्रो हो गया, उन सब का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें इन सब चीज़ों से सचेत रहने के और ख़ुद को लोगों से अपने आप को दूरी बना के मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो इस बात को आप सभी को ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे वीडियो के अन्य अपडेट्स की तरफ, लेकिन यह काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट था, मुझे लगा कि आप लोग साथ एक बार ज़रूर साझा करना चाहिए। अधिक से अधिक इसको स्प्रेड करिएगा दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुँचाइएगा, जिससे लोगों के बीच में यह अवेयरनेस हो सके, इससे जो समस्या आ रही है और जिस तरह से ये समस्या कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, संख्या जो है अफेक्टेड, हालांकि बात की जाए भारत में मौतों की संख्या तो वह अभी तक नहीं है, लेकिन इसकी समस्या जो है वह इससे जो अफेक्टेड लोग हैं वह जो है बढ़ते जा रहे हैं। केरल में अभी हाल ही में जो है 5 नए मामले भी निकल के आ रहे हैं, जिसमें कि 48 जो व्यक्ति था जिसकी वजह से वो जिस जिस लोगों के साथ टच में गया उन सभी को उसका संक्रमण जो है होता गया। हालांकि बात करें इसके ट्रीटमेंट की तो अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं बना हुआ है, जिस वजह से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आप अधिक से अधिक योगा करिए, स्वस्थ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शारीरिक श्रम को करते रहिए, ताकि जिसे शरीर के मेंटेनेंस बना रहे और शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूसली जारी रहे। तो यह समय जो है काफ़ी सेंसिटिव है टाइम सभी के लिए, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है और यह एक ऐसा रोग है जिसका कि अभी कोई इलाज नहीं संभव हो सका है, जिसका कोई भी अभी ट्रीटमेंट नहीं बाहर आ सका, जिस वजह से काफ़ी जो है प्रॉब्लम दे है, लोग काफ़ी इससे परेशान हैं। और कोशिश करिए कि आने वाले समय में होली भी है तो दूर जाने से बजाय उन लोगों से संपर्क करें जो कि इससे अफेक्टेड ना हो, जो स्वस्थ रहें उनसे मिलिए और थोड़ा दूरी जरूर बना के रखिए लोगों से, और कोशिश करिए कि रंगों व पानी के कलर्स जो होते हैं उसको अवॉइड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाई जो है कलर्स का यूज़ कम करिए, जिससे कि आप लोग स्वस्थ रह सकें। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट था जो कि आप लोग के साथ साझा करना था दोस्तों। अब मैं आप बढ़ूँगा और जो सोशल मीडिया के हवाले EPS 95 पेंशनर का कुछ अपडेट है वो भी मैं आप लोग के साथ साझा करूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। यहाँ पर विलास पाटिल जी लिखते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, प्लीज़ हाइक EPS 95 पेंशन एज पर द डिमांड ऑफ NSE सर, वी आर वेटिंग वेरी मर्जर पेंशन सर, तो वी आर गेटिंग वेरी लेस, मतलब इनका कहने का मतलब है जो कि काफ़ी कम पेंशन हमें प्राप्त हो रही है। सी द कंडीशन ऑफ EPS 95 पेंशनर्स विच गेटिंग 1000 पर मंथ एज अ पेंशन। तो आप समझ सकते हैं कि अब लोग जो है पेंशनर्स जो हैं अपनी बातों को रखने के लिए बाहर आ रहे हैं, ट्विटर हो चुका है, सोशल मीडिया अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपनी बातों को अब रख रहे हैं और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनके द्वारा किसी को टैग नहीं किया गया है, लेकिन इनका बात जो है सिंपल सा है, जिसमें कि वो प्राइम मिनिस्टर को सीधे संबोधित करते हुए अपनी बात को रख रहे हैं। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर कटिंग है वो भी दिखाऊँगा, इसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री से मिलकर EPS 95 खाताधारकों ने सुनाई व्यथा, PM ने कहा सम्मानपूर्वक पेंशन देने के लिए सरकार वचनबद्ध है। PM ने खुद कहा है कि सम्मानपूर्वक वचन मतलब सम्मानपूर्वक जो है पेंशन हम देने के लिए वचनबद्ध हैं और हम देंगे। मैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ साझा करूँगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के EPS 95 के पूर्व कर्मचारियों व पीड़ितों पेंशन भोगियों ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने पीड़ित खाताधारकों व PM मोदी के बीच इस मुलाकात की अगुवाई की है। EPS 95 नेशनल एक्शन कमेटी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत सेवानिवृत्त ने बताया, इस मौके पर कहा कि ये बहुत संतोषजनक है कि प्रधानमंत्री ने हमारी मांगों को सुना और उचित कार्रवाई का भरोसा जताया। मोदी जी के आश्वासन के बाद आज सभी शोषित खाताधारकों के जीवन में प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ रही है। PM ने कहा कि सम्मानपूर्वक पेंशन के देने के लिए सरकार वचनबद्ध है और पेंशन धारकों के प्रति उनकी पूरी सहानुभूति है। मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी ने बहुत बहुत आभार की कि उन्होंने हमारे दर्द को समझा, प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुंचाई,
पिछले 5 सालों से देश भर के ईपीएस 95 कर्मचारियों द्वारा व्यापक आंदोलन किया जा रहा है। देश के 25 से ज़्यादा राज्यों से पीड़ित पेंशन भोगियों ने सरकार से गुहार लगाई थी, रक्षा की जाए। उन्होंने पूर्व में उन्होंने दल बल के साथ प्रधानमंत्री आवास तक विरोध मार्च भी निकाला था, लेकिन कोई बात नहीं बनी थी। अपनी मांगों को लेकर देश भर में वे लगातार विरोध प्रदर्शन करते आए थे। पिछले दिनों पेंशन भोगियों ने भारत सरकार के राज्य मंत्री पीएमओ श्री जितेंद्र सिंह से भी मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा था और ईपीएफओ की शिकायत की थी। ज्ञात हो कि पिछले 437 दिनों से महाराष्ट्र के बुलढाणा में श्रीमती शोभा आरएस ईपीएस 95 की मांगों को लेकर जिला अधिकारी के दफ्तर के सामने अनशन कर रही हैं। वो चाहती हैं कि कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए। गौरतलब है कि पूर्व कर्मचारियों के वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि को जाता है, साथ ही सरकार की तरफ से भी योगदान राशि दी जाती है। लेकिन आज ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों का आरोप है कि ईपीएफओ ने मासिक पेंशन के रूप में कटौती की जाने वाली राशि को इसके लाभ को नहीं दिया है। इस अनदेखी से कई पेंशन भोगियों के परिवार हाशिए पर है और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद पेंशनधारकों में खुशी की लहर। कमांडर अशोक राउत के साथ इस बैठक में सहमति के महासचिव समिति के महासचिव बीरेंद्र सिंह, मुख्य सलाहकार पीएन पाटिल, उपाध्यक्ष आशा राम शर्मा, मथुरा मंडल के अध्यक्ष पूरण सिंह, मुख्य समन्वयक रंजीत सिंह जो है मौजूद रहे थे। तो यह कुछ महत्वपूर्ण और काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थे दोस्तों, जो कि मैंने आप लोगों के साथ साझा किया और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। आप क्या राय रखते हैं वो अवश्य ही हमें कमेंट में दीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिएगा, शेयर करना काफ़ी महत्वपूर्ण है ताकि लोगों तक बात पहुँच सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे के रेड बटन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे किसी नए अपडेट नई जानकारी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आप सभी अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।